आगरा में होटल अतिथि वन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महाराजा अग्रसेन एवं महारानी माधवी और राजा दशरथ एवं माता कौशल्या का सम्मान किया गया। हरिबोल सेवा समिति के अध्यक्ष भोलानाथ अग्रवाल एवं संस्थापिका ममता सिंघल के द्वारा सभी स्वरूपों का माला व पटका डालकर तथा पगड़ी पहनाकर स्वरूपों का सम्मान किया गया। वहीं अतिथि के रूप में आए राम प्रकाश अग्रवाल, नंदन गुप्ता, शगुन बंसल, नीरज अग्रवाल, मनमोहन चावला और सुरेंद्र नारुला का माला व पटका पहनाकर सम्मान किया गया। हरिबोल सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों ने इस समारोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया व भगवान के स्वरूप महाराजा अग्रसेन एवं माधवी राजा दशरथ एवं माता कौशल्य का आशीर्वाद प्राप्त किया। नाम ममता सिंघल है, हरिबोल सेवा समिति की संस्थापक। आज सम्मान समारोह रखा गया है यहाँ पर, राजा जो जनकपुरी सज रही है उसके उपलक्ष्य में हमने राजा जनक जी का और राजा दशरथ जी का सम्मान समारोह रखा है और साथ में महाराजा अग्रसेन जी का भी सम्मान समारोह रखा है। महाराजा अग्रसेन जी शंभु अग्रवाल जी हैं जो कि बलकेश्वर क्षेत्र में रहते हैं और राजा दशरथ जी कमला नगर में रहते हैं, संजय मित्तल जी और सपना मित्तल जी, और जो बीएन हॉस्पिटल के जो आलोक मित्तल जी और आरती मित्तल जी वो बने हैं जनक। मैं भोलानाथ अग्रवाल, हरिबोल सेवा समिति अध्यक्ष। आज यहाँ पे अतिथि वन के अंदर हरिबोल सेवा समिति के बैनर तले एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें हमारे आगरा के शंभुनाथ जी अग्रवाल जो हरिबोल सेवा समिति के संरक्षक हैं, इस उपलक्ष्य में उनका अग्रसेन महाराज माता माधवी जी का सम्मान पूर्ण तरीके से खूब धूमधाम से मनाया जाएगा। कमला नगर जालबाग में जो आगरा की ऐतिहासिक रामलीला चल रही है उसके राजा दशरथ, माता कौशल्या, राजा जनक, माता सुनैना जी दोनों चारों जने हमारे यहाँ हरिबोल सेवा समिति के इस भवन में आ रहे हैं, उनका भी सम्मान भारी भरपूर भाव से बनाया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।